हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ इटरेटेड कर्नल रिसॉल्वेंट कर्नल टू सॉल्व वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन। कंसीडर द वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन, ये है हमारे पास यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स जाई यू जाई डी जाई। तो इस तरह की वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड में जैसे सॉल्व किया था उसी तरह से के वन एक्स जाई बराबर के एक्स जाई ले रहे हैं। ये हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले लिया और उसके बाद ये हो गया हमारे पास के एन प्लस वन को डिफाइन कर लिया कि कोई भी एन या जैसे के टू के थ्री आई टर्म्स के लिए जाई टू एक्स के एक्स टी के एन टी जाई डी टी, जहाँ पे एन बराबर वन टू थ्री डॉट डॉट इस तरह से चलते हैं। फ्रॉम हेयर वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ न्यू कर्नल एंड दीज कर्नल आर कॉल्ड इटरेटेड कर्नल्स। तो यहाँ से हम ये कर्नल्स का एक नया सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो सीक्वेंस कहलाता है इटरेटेड कर्नल। वी नो दैट वन हैज ओनली वन सीरीज सॉल्यूशन। हमने पहले पहले भी इसके इस वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके देखे थे, जिसमें हमने दो तरीके देखे थे, अप्रोक्सीमेशन एंड इटरेटेड कर्नल। तो उसमें वहां से हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो इस फॉर्म में दिया जाता है यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ए टू एक्स ए टू टी के एक्स टी के टी टी वन एफ टी वन डी टी वन डी टी प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक सीरीज तक चलता हुआ जाता है। तो इस सीरीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यू एक्स बराबर यू जीरो एक्स प्लस यू वन एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर यू टू एक्स प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ से कंपेयर करने पर हम देखें यू जीरो एक्स तो हो गया हमारे पास एफ एक्स, यू वन एक्स आ गया हमारे पास ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी यानी कि ये वाली टर्म, यू टू एक्स आ गया हमारे पास ये वाली टर्म, ये हो गया। नाउ बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इटरेशन, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने पे हम यहाँ पे यू टू एक्स के लिए बात करें, यू वन में तो हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना ही नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास ए टू एक्स एफ टी वन टी वन टू एक्स के एक्स टी के वन टी 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 वन डी टी वन। अब डी टी वन जो है क्योंकि ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करने पे ये बाहर चला गया हमारे पास, ये हो गया। अब अगर हम इसको देखें टी वन टू एक्स के एक्स टी और के वन टी टी वन, तो ये यहाँ से फॉर एन बराबर टू के लिए यानी के टू क्या आएगा, सिंपली के टू अगर हम निकालेंगे तो एन बराबर वन के लिए ये के टू हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा जो कि इससे हमारे पास मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ए टू एक्स एफ टी वन के टू एक्स टी वन डी टी वन। इसको लिख सकते हैं ए टू एक्स एफ टी के टू एक्स टी डी टी, क्योंकि सिंपली हमने वेरिएबल चेंज कर दिया यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से सिमिलरली यू थ्री एक्स के लिए हम निकाल सकते हैं ए टू एक्स एफ टी के थ्री एक्स टी, और एन के लिए हम निकाल सकते हैं ए टू एक्स एफ टी के एन एक्स टी डी टी। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फाइव है, इक्वेशन नंबर फाइव जो कि ये इक्वेशन थी, इसमें ये वैल्यू पुट करने पे, ये सारी यू वन यू टू की वैल्यू पुट करने पे ये आ गया हमारे पास यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के वन एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ए टू एक्स के टू एक्स टी डी टी प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस, अब लेमडा सबसे कॉमन ले सकते हैं, लेमडा कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास ए टू एक्स के वन एक्स टी प्लस के टू एक्स टी प्लस लेमडा स्क्वायर के थ्री एक्स टी प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास इसको हमने एक अलग से डिफाइन कर दिया आर एक्स टी एंड लेमडा का फंक्शन जो एफ टी डी टी, तो ये हुआ है हमारे पास वेयर आर एक्स टी जो है वो ये है हमारे पास फंक्शन, इस फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये कहलाता है रिसॉल्वेंट कर्नल, इसको कहलाते हैं कहते हैं हम रिसॉल्वेंट कर्नल। तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है ये रिसॉल्वेंट कर्नल कहलाता है, के वन एक्स टी प्लस लेमडा के टू एक्स टी प्लस लेमडा स्क्वायर के थ्री एक्स टी और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जो टर्म जाती है ये फंक्शन कहलाता है रिसॉल्वेंट कर्नल। अब न्यूमैन सीरीज क्या होती है, द सीरीज के वन प्लस लेमडा के टू प्लस लेमडा स्क्वायर के थ्री प्लस डॉट इन्फिनिटी जो कहलाती है वो न्यूमैन सीरीज कहलाती है, इस तरह की सीरीज जो कि ये सीरीज है। द सम ऑफ न्यूमैन सीरीज, इस सीरीज का जो सम होता है जो फाइनल सम जो होता है वो हमारे पास रिसॉल्वेंट कर्नल कहलाता है, इस सीरीज का जो ये सीरीज जो कहलाएगी वो न्यूमैन सीरीज कहलाएगी,
याद रखना है ये सीरीज जो है वो न्यूमन सीरीज है, और इसका जो सम है, सम जो है वो है रिसॉल्वेंट कर्नल। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं। विद द एड ऑफ रिसॉल्वेंट कर्नल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 5x बराबर एक्स प्लस 0 टू एक्स एक्स जाई माइनस एक्स फाई जाई डी जाई। तो यहाँ से के वन एक्स जाई बराबर हमने एक्स माइनस जाई ले लिया, तो के एक्स जाई यानी कि ये हो गए जाई माइनस सॉरी जाई माइनस एक्स ले लिया, जाई माइनस एक्स। के एन प्लस वन एक्स जाई जो हो गए वो हो गए जाई टू एक्स के एक्स टी के एन टी जाई डी टी। तो पुट एन बराबर जब वन पुट करेंगे तो के टू एक्स जाई हो गया हमारे पास जाई टू एक्स के एक्स टी के वन टी जाई। तो यहाँ पे हमें सिंपली पुट कर एक्स टी पुट करना है तो टी माइनस एक्स, और यहाँ टी और जाई पुट करने तो वेरिएबल्स यहाँ पुट करेंगे तो जाई माइनस टी। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा हम इजीली सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन को, यहाँ सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल जाई अपॉन एक्स का क्यूब। इसी तरह से के थ्री एक्स जाई निकालेंगे तो वो आ जाएगा वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल टी जाई माइनस टी की पावर फाइव। तो यहाँ से रिसोल्वेंट कर्नल जो होगी इसकी, रिसोल्वेंट कर्नल जो है वो इसके इस फंक्शन का सम यानी कि समेशन ऑफ एन बराबर वन टू इन्फिनिटी लैम्डा एन माइनस वन के एन एक्स जाई। तो ये क्या है हमारे पास जाई माइनस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल माइनस जाई माइनस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से चलते हुए ये हो गए हमारे पास। अब अगर हम लैम्डा बराबर वन ले लें, लैम्डा बराबर वन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो इक्वेशन थी यहाँ पे लैम्डा नहीं है यानी कि लैम्डा बराबर वन है, तो ये हो गया हमारे पास साइन जाई माइनस एक्स। अब तो ये हो गया फाइव एक्स बराबर, अब यहाँ पे रिसोल्वेंट कर्नल की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो रिसोल्वेंट कर्नल जो आई है वहाँ पे कर्नल की जगह पुट कर देंगे से एफ एक्स प्लस लेमडा जीरो टू एक्स आर एक्स जाई लेमडा एफ जाई डी जाई। तो ये हो गया एक्स जीरो टू एक्स जाई साइन एक्स माइनस जाई, क्योंकि ये जो आई थी जाई माइनस एक्स आई थी, तो ये जाई माइनस एक्स और जाई जो था वो फंक्शन में था ही हमारे पास। या तो फिर एफ जाई जो है यहाँ पे हमारे पास, एफ जाई को अगर देखें फंक्शन में एफ जाई जो है वो यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स गिवन है, तो यहाँ से एफ जाई की जगह हमें जाई पुट कर देना है ओनली। ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया एक्स जीरो टू इंटीग्रेशन जाई साइन जाई माइनस एक्स डी जाई। तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाई पार्ट्स की हेल्प से, आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बाई पार्ट्स की हेल्प से फर्स्ट और सेकेंड रूल से, फर्स्ट डॉट सेकेंड रूल से, जो कि हमारे पास फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, और फर्स्ट जो छोड़ा है हमने उसका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ टोटल डी एक्स। इसकी हेल्प से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस इसका आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा साइन एक्स। यही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था जब जिसमें हमने कर्नल को सिंपली यूज किया था, तब भी हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था साइन एक्स, और अब भी सॉल्यूशन साइन एक्स आया था जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किया था, तब भी इसका सॉल्यूशन साइन एक्स आया था। तो यानी मेथड कोई भी हो सॉल्यूशन जो है वो सेम होता है, जो कि हमने थ्योरम में भी पढ़ा था कि इनका सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब फिर यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये हमारे पास वोलिनटा इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्व करने के तरीके जो भी मेथड्स थे उनके लिए यूजफुल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो, जो भी जो तक अब तक जो भी इस यूनिट में हमने पढ़ा है वो सब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में फ्रेंड्स हम फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं ये हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।